अब हम ये जो हमारे गुजराती में लिखा जाता है शोक और लाभ, तो हम इसको फिलअप करेंगे। इसको भी अगर आप मेरे कंटिन्यूस व्यूअर है तो आपको पता होगा कि हमें कोई भी डिज़ाइन हमारे सामने आता है तो हमें ये नहीं देखना कि डिज़ाइन क्या है, हमें उसका शेप देखना है। जो भी शेप किया होगा हमें उस शेप को, मैंने अपने चैनल पे स्पेशल बिगिनर के लिए वीडियो डाला हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो हमें, हमारे सामने कोई भी डिज़ाइन आता है तो हमें फर्स्ट उसका शेप देखना है कि वो किस शेप का है। तो ये जो हमारा ये ल लिखा हुआ है तो वो कैसा शेप है, ऐसा सेमी सर्कल शेप है। तो मैंने सिखाया हुआ है कि सेमी सर्कल शेप जब भी हम करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरीके से ऊपर जाना है। तो आपको वो किसी भी डायरेक्शन में आता है, सेमी सर्कल आता है तो उसको उसी तरीके से फिलअप करना है। आपको अगर बिगिनर है, अभी सीखना स्टार्ट किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए किस तरीके से करते हैं हम। इस तरीके से आपने एक बार शेप को समझ लिया तो फिर आपके सामने कोई वर्ड लिखने का आ रहा है या कोई भी डिज़ाइन आ रहा है, कोई भी, समझ लो ये हम गणेश जी का भी ये डिज़ाइन के ऊपर वर्क करेंगे, तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि आपको, आप जब भी कोई भी डिज़ाइन देखोगे तो आपको ये नहीं दिखाई देगा कि ये गणेश जी है या ये हार्ट शेप है, आपको सिर्फ शेप दिखाई देना चाहिए कि हमें ये जो गणेश जी का ये जो हमने फेस बनाया हुआ है, तो आप इस तरीके से देखोगे तो वो आपको एक गणेश जी का डिज़ाइन दिखेगा। आपको जब आप इसको फोकस के साथ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर हमें कौन से शेप पर, शेप के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो हमें ये पत्ते की तरह दिखेगा, तो हमें जिस तरीके से हम कोई भी फ्लावर का पत्ता बनाते हैं तो उसी तरीके से एक पत्ते के शेप में हमें फेस को फिलअप करना है। और ये जब आप देखोगे तो जैसे हमने अभी ये जो मैंने सेमी सर्कल बताया था, तो उसी तरीके से आप सर्कल की तरह ही इसको फिलअप करेंगे। तो आप इस चीज़ को समझ लोगे तो आपके लिए एम्ब्रॉयडरी करना बहुत ही आसान हो जाएगा।